Assalamualaikum, SLS junior students. Now open your book 1, 2, 3. Page number 15 open करें. Page number 15 पे हमारे पास activity है. ठीक है, देखते हैं क्या activity है. हम इसकी statement read करते हैं. Count, write and color. पहले हमने जो चीज़ें हमारे पास बनी हुई हैं हमने उनको count करना है. ठीक है, फिर इस ब्लॉक में हमने लिखना है कि कितनी हैं ये चीज़ें, और उसके बाद हमने इनमें कलर कर देना है. ओके जूनियर्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी. देखिए फर्स्ट पिक्चर क्या है, टू बैग्स हैं हमारे पास. ठीक है, काउंट करना है 1, 2. जूनियर्स कितने बैग्स हैं, 1, 2. अब देखिए हमारे पास 2 आया ना, तो हमने यहाँ पर 2 राइट कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, फिश. कितनी फिश हैं, 1, 2, 3. तो हमने यहाँ पर 3 राइट कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट देखिए सन, कितने सन हैं, 1, 2, 3, 4. 4 सन है ना हमारे पास, तो हमने यहाँ पर 4 राइट कर लिया. ठीक है, अब देखिए हमने राइट तो कर लिया है, अब हमने क्या करना है, हमने करना है कलर. तो बैग पे हम लोग कर लेते हैं पिंक कलर. ठीक है, पिंक बना लेते हैं बैग को इस तरह से. देखिए हमने बैग पे कलर कर लिया, पिंक कलर कर लिया हमने बैग में. ठीक है, अब नेक्स्ट देखें ब्राउन कलर. ब्राउन कलर हम कर लेते हैं फिश पे. ठीक है, फिश को हमने ब्राउन कलर कर दिया. अब रह गया सन, सन में हमने करना है येलो कलर. ठीक है, इस तरह हमने सन पे येलो कलर कर दिया. नेक्स्ट देखें काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 4 to 0. देखें जूनियर्स, वैसे तो हम ऐसा होता है कि हम सबसे पहले राइट करते हैं 0, फिर 1, 2, 3, 4. ठीक है, देखें ये हम आगे की तरफ जा रहे होते हैं फॉरवर्ड, लेकिन जब हमने 0 से पीछे की तरफ आना होता है तो हमसे कहते हैं बैकवर्ड. ठीक है, अब देखें सबसे पहले हमने 4 राइट किया. ठीक है, 4 के पीछे क्या होता है, 3. ठीक है, 3 के पीछे क्या होता है, 2. 2 के पीछे क्या होता है, 1. और 1 के पीछे होता है 0. ठीक है, 4, 3, 2, 1, 0, इसको बोलते हैं बैकवर्ड काउंटिंग. ठीक है, इस तरह से आपने भी अपनी एक्टिविटी को इसी तरह से करना है. ठीक है, ओके जूनियर्स, अल्लाह हाफिज़.